और आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सिद्धार्थ सैदानी साहब लेकर आपके लिए सिल्क की सिफ। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस हफ्ते की थीम कौन सी चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे ही दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज का जो थीम है वो है मकान का मेकओवर। होम इम्प्रूवमेंट का स्पेस है, मकान का मेकओवर। ये मेकओवर जो होगा वो कैसे कैसे आप घर को और ब्यूटिफिकेशन चकाचक बना सकते हैं, उसी का थीम है मकान का मेकओवर। आप सभी को पता है कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दमदार चल रहे हैं, रोबस्ट ग्रोथ दिख रहा है। $30 बिलियन का होम इम्प्रूवमेंट, होम रेनोवेशन का स्पेस है और रोबस्ट ग्रोथ है। यहाँ पे भी राइजिंग मिडिल क्लास है, 55% हाउस होल्ड है, डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में काफी अच्छी आ रही है, जो वो होम इम्प्रूवमेंट पे या मकान के मेकओवर पे खर्च कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना चाहते हैं सभी अपने हिसाब से। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये पूरे ही स्पेस में अगर देखा जाए तो अवेलेबिलिटी, क्योंकि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी एक से एक इनोवेशन आने लगे हैं, तो होम इम्प्रूवमेंट सब करना चाहते हैं। ये सारी चीजें एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर आपके बेटर हाफ कहीं जाते हैं दूसरे के घर में और अच्छा फर्नीचर देख लिया तो आपको कभी ना कभी जरूर बनाना पड़ेगा। तो ये है मकान का मेकओवर। मकान का मेकओवर, वाह क्या बढ़िया थीम चुनी है। कभी ये तो बढ़िया थीम है, इसमें कोई डाउट नहीं। सुधा जी, कभी फेस का मेकओवर वाली थीम भी सुनाई ना कोई ऐसी लाई, मतलब जिससे कि ज्यादा आदमी बेहतर दिख सके, ऐसी कोई थीम पे भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो तो काफी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे पैनल पे भी। एनी गेसेस? कोई अंदाज? अनिल जी डेफिनेटली, पर उसमें सारी FMCG कंपनियां आ जाएगी। आप अंदाज लगाइए कौन ऐसा, मतलब पैनल पे आपको दिखता है जो फेसेस के मेकओवर में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, कोई एक एनी आइडिया? बाकी सब भी अपनी राय दे सकते हैं कोई, और इससे पहले कि कोई आपका नाम ले आप दूसरों का नाम ले लो, राय देने का सबसे बढ़िया तरीका ये। तो सारे एक्सपर्ट्स के लिए खुला है सवाल, नहीं तो मैं मेरी मर्जी से बताई दूंगा। सिद्धार्थ जी आपको तो बोलना ही पड़ेगा, आपकी थीम है। अनिल जी मेरे हिसाब से तो सभी एकदम चकाचक है, मेकओवर किए हुए ही है, इम्प्रूवमेंट तो सभी में जगह है। अच्छा, सब में इम्प्रूवमेंट की जगह है, मतलब भाई हो जगह। सिद्धार्थ जी ने तो बोल दिया सारे एकदम, अभी भी जो ये बड़े जो कुणाल जी वो सपने देख रहे थे ना कि बॉलीवुड की फिल्में खेलने के लिए, सिद्धार्थ जी देख लिया, कुणाल जी देख लिए। सिद्धार्थ जी पहले से कह रहे हैं कि अभी तो आप लोगों में इम्प्रूवमेंट की बहुत जगह है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा मेकओवर करवाना करना पसंद करेंगे जैन साहब। अच्छा, हाँ जैन साहब, जैन साहब है कि जाए? अच्छा जैन, अच्छा जैन साहब चलेगा, अभी 10 बजे आएंगे, तब जब आएंगे तब कन्फर्म कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा चलिए, फेसेस का मेकओवर तो बाद में, मकान का मेकओवर बताएं सर, इस थीम में कौन से स्टॉक आपने चुने और कितने कितने किस प्रोपोर्शन में खरीदने? बिल्कुल जी, मकान का मेकओवर करना है तो आपको दिवाले एकदम मस्त रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टॉक होगा एशियन पेंट, टारगेट 3600 रुपए का, 30 रुपए लगाने हैं, 100 रुपए में से। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट का राजा है ये, रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 1.5 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर, Q4 के जो नतीजे आए हैं उसमें रेवेन्यू 11%, मार्जिन 3% के करीब बढ़ के 21% पे आया और मुनाफा 40% से बढ़ के आया। 15 से 20% का अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद रखिए और ओवरऑल रीपेंट और रेनोवेशन में बहुत काम लगता है। दूसरी कंपनी, जब आपको लगता है कि आपको फ्लोरिंग भी चेंज करनी है और भी सैनिटरी वेयर चेंज करनी है तो सेरा सैनिटरी वेयर को जरूर ध्यान में रखें। टारगेट रखना है 8,820 रुपए, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से, 8820 का टारगेट। सैनिटरी वेयर टाइल्स, साथ ही साथ किचन के सिंक, मिरर, बहुत सारे प्रोडक्ट है और नए प्रोडक्ट का ग्रोथ काफी दमदार हो रहा है सेरा में, और मेंटेन ये अपना हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन कर रही है कंपनी और गाइडेंस दे रही है 17 से 18% में मैनेजमेंट द्वारा। स्ट्रॉन्ग डिमांड है रियल एस्टेट स्पेस में, रिप्लेसमेंट डिमांड भी बूस्ट ला रही है और 16% की आई से CAGR से ग्रो होने वाली कंपनी सेरा।
तीसरी कंपनी फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर के लिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज पे जरूर खरीदारी करें। टारगेट 402 रुपए का, 20 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। प्लाईवुड, एमडीएफ और दूसरे सब जो प्रोडक्ट है वो इनके दमदार हैं। मुनाफा अभी जो आया है 80% क्यू ग्रोथ देखा है हमने। 12 से 15% एनडीएफ की ग्रोथ दिख रहे हैं, प्रोडक्ट की ग्रोथ दिख रहे हैं। साथ ही साथ डेट फ्री होने की योजना है कंपनी द्वारा FY25 में। और 12% आई से CAGR ग्रो होने वाली कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। अब अपने फर्नीचर तो बना लिया प्लाईबोर्ड से, एनडीएफ से, उसके ऊपर लैमिनेट तो जरूर लगाएंगे। स्काईलैम इंडस्ट्रीज टारगेट 1770 का, अंतिम के 20 रुपए लगाए हैं आपको। स्काईलैम इंडस्ट्रीज में लैमिनेट्स में डेकोरेटिव लैमिनेट्स दमदार है इनके। 80 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, मार्केट शेयर अच्छा है। एक्सपैंड करने की योजना है अपनी कैपेसिटी 40% से और रेवेन्यू डबल होने की योजना है FY25 में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, ब्रांड रिकॉल अच्छा है स्काईलैम इंडस्ट्रीज का। तो ये है मकान का मेकओवर। एक बार आपने मकान का मेकओवर कर दिया तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, क्योंकि दिन के 12 घंटे से 8 घंटे आप घर पे बिताते हैं, तो वो पॉजिटिव वाइब्स के लिए मकान का मेकओवर। ओके, तो चार स्टॉक है जहां खरीदारी करने के लिए। एशियन पेंट में 30% पैसा लगाना है, 3600 का टारगेट। सेरा सैनिटरी वेयर 30% पैसा लगाना है, 8820 का टारगेट। ग्रीन पैनल में लगाने हैं 20% पैसे, 402 का टारगेट। और लास्ट में स्टाइलम इंडस्ट्रीज 1770 के टारगेट के लिए बचा हुआ 20% पैसा भी इसमें लगा दें। तो इस हफ्ते की थीम है मकान का मेकओवर और इसमें चार बेहतरीन स्टॉक सिद्धार्थ जी ने चुने हैं। सिद्धार्थ जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया थीम आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी है। ओके, 17,265 के आसपास निफ्टी पर है और 40,800 तो सपोर्ट लेवल के आसपास रुक रहे हैं। ऐसा पैनिक वाला या बहुत ज्यादा तेजी से घटे वैसा भी मामला नहीं दिखा और बढ़ने के कोई खास मूड माहौल में बाजार दिख भी नहीं रहे। तो चलिए क्या 10 की कमाई की शुरुआत की जाए। बिल्कुल,